आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रदीप गिरी एकेडमी को कितना प्यार करते हो नीचे फटाफट अपना प्यार दिखा दो। देखता हूं कि आज आप कितना कमेंट करते हो। आपको जो अच्छा लगता होगा इस चैनल के बारे में आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताना, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और दिन रात काम करेंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए BEE से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया तो आप अपने एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हो, आप अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस ला सकते हो। और दोस्तों मेरा एक सजेशन है कि ये जब टॉपिक्स आपके कवर हो जाए तो उसके बाद आप अपने बुक्स में एटलीस्ट देख लेना कि प्रीवियस ईयर्स में और कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसे एक बार आप देख लेना, थोड़े बहुत उनसे भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लेना। बट अगर आपने कुछ भी नहीं स्टार्ट किया तो एटलीस्ट सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स कवर करने चाहिए। तो दोस्तों यहां पे मैं आपके लिए जो टॉपिक्स लेकर आया हूं, जैसे आपको पता है कि आपके एंड सेम में टोटल 4 यूनिट्स आने वाले हैं और ये चारों यूनिट्स में यूनिट नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, तो यूनिट नंबर 3rd और 4th को मैंने मिक्सअप क्वेश्चन दिया है एंड 4th और 5th का मैंने मिक्सअप क्वेश्चन दिया है, 5th और 6th का मैंने मिक्सअप क्वेश्चन दिया है। जैसे यूनिट नंबर 3rd और 4th में मैं देखूं लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, ये सब टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। कोर टाइप एंड सेल टाइप क्या होता है, EMF इक्वेशंस क्या होता है दोस्तों, स्टार डेल्टा तो आपको पता ही है दोस्तों, स्टार कनेक्टेड 3-फेज लोड ये कर लेना चाहिए आपको, RC और RL सीरीज कर लेना चाहिए, हाँ कैपेसिटी और इंडक्टिव ये भी आपको कर लेना चाहिए दोस्तों। बाद में यूनिट नंबर 5 और 6 में आपको क्या करना चाहिए, हाँ दोस्तों आपके यूनिट नंबर 6 में आप अपने बुक में देखना ए से यहाँ पे आपको एक प्रूफ होगा, A² करके ऐसा कुछ आपको यहाँ पे प्रूफ होगा, प्लीज उस प्रूफ को आपको अच्छे से कर लेना है यूनिट नंबर 6 में, वो प्रूफ है दोस्तों। देन इसके बाद आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस का डेफिनेशन और डिराइव ये भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देन इसके बाद लिथियम और लेड एसिड बैटरी जो है उसका आपको डिस्टिंग्विश अच्छे से कर लेना चाहिए, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ये तो पता ही है सभी को। देन इसके बाद दोस्तों थियरम्स है यहाँ पे, सुपरपोजिशन थियरम जो है वो भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए इसके साथ, और साथ में दोस्तों आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स में आप क्या क्या करना चाहोगे, तो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सबसे पहले कर लो, स्टार डेल्टा वाले न्यूमेरिकल को आप सबसे पहले कर लो, और क्रिचॉफ्स से रिलेटेड जो लूप वाले जो न्यूमेरिकल्स है दोस्तों उसे आप अगर कर लोगे तो आप अपने एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हो, एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और इतना होने के बाद आपके फेल होने का तो टेंशन दोस्तों बहुत जो है वो बहुत कम हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि इसके बाद भी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं उसे भी आपको कवर कर लेना चाहिए। चाहिए तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जा रहा हूं, ले लो, और कुछ चीजें मैंने बोली है तो उसे भी आप नोट डाउन कर लेना और जल्दी जल्दी अपने एग्जाम का आपको प्रिपरेशन करना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद दोस्तों।